इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस शायद ही अपना वजू बेहतर मुजाहरा कर पाए, क्योंकि तमाम कांग्रेसी कारकुनान में काफ़ी खामोशी नजर आ रही थी। पर बेलगाम शहर में भाजपा की मुखालफत करते हुए एहतजाजी जुलूस का अहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस कारकुनान में एक तरह का नया जोश जज्बा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस फिर से जिंदा हो रही है। वैसे तो मोदी सरकार ने विपक्ष को खत्म करने की पूरी कोशिश की है, और इसी का नतीजा है कि पी चिदम्बरम और डी के शिवकुमार जैसे कांग्रेस के दिग्गज कायदों को किसी न किसी बहाने जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करके दिगर कांग्रेसियों को यह पैगाम दिया कि आप भी खामोश रहे वरना तुम्हारी भी बारी आ सकती है। लिहाजा कांग्रेस के दिग्गज लीडरों ने भी इस एहतजाज में शिरकत फरमाई, और बाढ़ मुतासरीन को सरकारी मुआवजा जो हासिल होना था नहीं दिया गया, और कर्नाटक वालों के साथ सौतेला सुलूक किया गया, ऐसा इल्जाम भी लगाया गया। बाढ़ मुतासरीन के मुआवजे को लेकर जो एहतजाजी जुलूस निकाला गया, इसमें रियासत के बड़े कायदों के साथ हजारों कारकुनान ने भी शिरकत फरमाई। इस एहतजाज को कांग्रेस का अगर शक्ति प्रदर्शन और आने वाले इंतखाबात का चुनाव अभियान भी कहा जाए तो गलत ना होगा, और इसी नज़र से इसे देखा भी जा रहा है। बेलगाम जिला इस बार बारिश की वजह से काफ़ी मुतासिर रहा। सैकड़ों घर डूब गए, हजारों मकान ढह गए, कहीं जाने चले गई, लाखों लोग बेघर हुए, और अब तक तकरीबन 50 से भी ज्यादा दिन गुजरे पर बाढ़ मुतासरीन के हिस्से में अब तक मुआवजा नहीं मिला है। और इसी मसले को लेकर भाजपा मुखालिफ पार्टियों ने भाजपा की गलत नीतियों पर एतराज जताते हुए सख्त अल्फाजों में मजम्मत फरमाई है। अब लड़ाई सड़क पर आ चुकी है और बेलगाम शहर से इसकी इफ्तिताह भी हुई है। अवाम के दरमियान भी भाजपा रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी दिखाई दे रही थी, और भाजपा मुर्दाबाद के नारे बार बार लगाए जा रहे थे। इस जबरदस्त एहतजाज ने भाजपा की नींद यकीनन उड़ाई होगी। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश और जज्बा पैवस्त करने में कामयाबी हासिल की है। यह एक जबरदस्त और कामयाब कांग्रेस का जुलूस रहा। जुलूस की शुरुआत आरटीओ सर्कल जिला कांग्रेस दफ्तर से हुई। एहतजाजी जुलूस में साबिक वजीर आला सिद्धरामैया, पार्टी रियासती सदर दिनेश गुंडूराव, साबिक वजीर ईश्वर खांडरे, एमबी पाटिल, एसआर पाटिल, सतीश जारकीहोली, लक्ष्मी बाड़कर, अंजलि निंबाड़कर, प्रकाश हुक्केरी, फिरोज सेठ, राजू सेठ, फैजान सेठ और दिगर जिम्मेदारान शरीक रहे। जुलूस चन्नम्मा सर्कल में पहुंचा तो जुलूस इजलास में तब्दील हुआ। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने येडियुरप्पा और मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि येडियुरप्पा पर मुझे रहम आता है। उन्होंने येडियुरप्पा को बुजदिल तक कहा, जिसमें मोदी के सामने खड़े होने की कुव्वत नहीं है। बाढ़ मुतासरीन लोगों के बारे में कहा कि तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बेघर हुए हैं, इनके सर से छत निकल गई है, 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, पर 50 दिन गुजरने के बाद भी गरीबों और बेघरों तक कुछ भी पैसा नहीं मिला। भाजपा हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अगर कांग्रेस की अन्न भाग्य योजना नहीं होती तो बाढ़ मुतासरीन की क्या हालत होती, ऐसा भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलोर आए पर इन्हें बाढ़ मुतासिर लोगों के लिए वक्त नहीं था। चंद्रयान की कामयाबी का सहरा जो अपने सर बांधना था और आए मोदी पर उस वक्त काफी तंज किया गया था। पार्टी रियासती सदर दिनेश गुंडूराव ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह और निर्मला सीतारामन ने हवाई जायजा तो लिया और उम्मीद थी कि कुछ ऐलान इन्हीं की जानिब से किया जाएगा, पर मौजे पर दोनों खामोश रहे। इसी तरह से दिगर कायदों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। लक्ष्मी बाड़कर ने रियासत और मोदी सरकार पर भरपूर हमला करते हुए कहा कि एक नाकाम सरकार के तौर पर मोदी और येडियुरप्पा सरकार का नाम लिया जाएगा। ऐसा कहा कि एहतजाजी जुलूस से कई घंटे ट्रैफिक मुतासिर रही। कुल मिलाकर कहा जाए तो एहतजाजी जुलूस कांग्रेस पार्टी में जान भरने के लिए काफी था, जिससे आने वाले इंतखाबात में जरूर फायदा होगा। वैसे भी हर लिहाज से मोदी सरकार नाकाम तो नजर आ ही रही है, पर धर्म और मजहब का जहर जो इन्होंने अवाम के जहनों तक पहुंचाया है, इसे उतरने में और काफी वक्त लग सकता है। सरकार पर सवाल उठाओगे तो देशद्रोही ठहराए जाओगे, और विपक्ष नेताओं को जेल का भी डर दिलाया जा रहा है। यहाँ तक शरद पवार भी अब ईडी के निशाने पर होने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर अवाम तब्दीली चाहती है और अवाम अगर इस जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होकर किसी भी दौर के हिटलर को
गद्दी से उतार सकती है, तो वो दौर भी आएगा कि हर दौर के हिटलर को गद्दी से उतरकर भागना पड़ेगा। जुल्म इतना भी बुरा नहीं जितनी बुरी तुम्हारी खामोशी है। जुल्म के इस दौर में बोलना सीखो वरना तुम्हारी नस्लें गूंगी पैदा होगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।